नमस्कार, puzzle.com की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चॉकोबार आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे हम अमूल फ्रेश क्रीम से बनाएंगे। इसके लिए हम कोई मशीन का या फिर कोई बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसे मिक्सी में बनाएंगे। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं ये चॉकोबार आइसक्रीम कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। ये चॉकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हमने एक पैकेट अमूल की फ्रेश क्रीम ले लिया है। इसे हमने पूरी रात फ्रिज में रखा था तो एकदम चिल्ड है। ये एक पैकेट जो होता है वो 250 ml करीब होता है। इसके लिए हम करीब 200 ग्राम के कंडेंस मिल्क यूज करेंगे। ये 400 ग्राम का डब्बा है तो हम इससे आधा यूज करेंगे। 250 ग्राम हमारी क्रीम है, इसके लिए हम 200 ग्राम ये कंडेंस मिल्क यूज करेंगे। इसके अलावा हम वनीला एसेंस 1 चम्मच यूज करेंगे। चॉकोबार आइसक्रीम बनाने के लिए हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज करेंगे। इसे हम बाद में यूज करेंगे आइसक्रीम जम जाने के बाद। चलिए सबसे पहले हम अपना आइसक्रीम का बेस तैयार कर लेते हैं। तो आज हम आइसक्रीम आपको मिक्सी में बनाना बता रहे हैं। कोई भी ब्लेंडर जार ले लें और ये एकदम ठंडी जो क्रीम है इसे आप मिक्सी में डालते हैं। पूरी क्रीम हम इसमें डाल देते हैं। क्रीम को हम 4-5 मिनट तक मिक्सी में फेटेंगे ताकि एकदम गाढ़ी ना हो जाए। तो इसे फेट लेते हैं पहले। ये क्रीम को हमने फेट लिया है। अब इसमें ये हम कंडेंस मिल्क मिला देते हैं। तो हम 200 ml के करीब आधा डब्बा हम इसमें मिला देंगे। ये आधा चम्मच के करीब हम इसमें ये वेनिला एसेंस मिलाएंगे। थोड़ा स्ट्रांग है ये वेनिला एसेंस, इसलिए कम मिला देंगे। एक बार इसे और चला लेते हैं। ये आइसक्रीम का मिश्रण तैयार हो गया है। इसे अब हम मोल्ड में भर देते हैं। तो इस तरह के ये हमारे आइसक्रीम बनाने का मोल्ड है। ये आप इसमें बना सकते हैं इस तरह का अगर आपके पास हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो किसी छोटे ग्लास या कप में भी डाल के बना सकते हैं। ये सब हम भर देते हैं। क्रीम और कंडेंस मिल्क से हमारी ये आठ आइसक्रीम का सेट है। ऐसे हम बंद करके ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम जमने के लिए पूरे 8 घंटे तक फ्रीजर में रखेंगे। अगर रात में बनाई है तो ओवरनाइट इसे फ्रीजर में छोड़ दें। उसके बाद ही इसे निकाल के हम इसके ऊपर चॉकलेट कोटिंग करेंगे। ये तैयार हो गया है, इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं। 8 घंटे बाद हम इसे देखेंगे। ये आइसक्रीम हमारी जम चुकी है। इसे हमने ओवरनाइट फ्रीजर के अंदर जमा के रखा था। तो इसे हम मोल्ड से निकालने से पहले हम ये जो हमने चॉकलेट ली थी इसे हम मेल्ट करके तैयार कर लेते हैं। ये चॉकलेट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है। इसे हम माइक्रोवेव करेंगे। आप चाहें तो डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं। तो पहले हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं, फिर हम आइसक्रीम को निकालेंगे। फिर से इसे हम फ्रीजर में डाल देते हैं। ये चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। ये चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। थोड़ी देर हम ठंडा होने देते हैं। ये बहुत गर्म है, इसे हम अभी आइसक्रीम के ऊपर नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा इसे हम इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, इसे नॉर्मल हो जाए। एकदम हम इसे मिक्स करके हमने इसे एकदम स्मूथ कर दिया है। ये एकदम इस तरह से स्मूथ होने के लिए इसे ठंडा हो जाने देते हैं। फिर हम इसे ऐसे लगाएंगे। ये चॉकलेट हमारी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। हमें इतनी ही चाहिए, ऐसी ही नॉर्मल एकदम चाहिए चॉकलेट। गर्म चॉकलेट का हम यूज नहीं करेंगे। आइसक्रीम को हमने फ्रीजर से निकाल लिया और इसे थोड़ा सा पानी में हमने ऐसे रखा है जिसमें ये आसानी से इसमें से मोल्ड से निकल जाए। कुछ सेकंड के लिए इसे पानी में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। देखिए आइसक्रीम हमने मोल्ड से निकाल ली है। अब इसके ऊपर हम ये चॉकलेट कोट कर देंगे इस तरह से। बहुत ही जल्दी हमें डालना है। ये देखिए ये हमारी चॉकोबार आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है। एकदम नेचुरल चीजों से हमने इसे बनाया है। कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं डाली है। हमने इसे अमूल फ्रेश क्रीम से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। आप इसे बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।